जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम गंधर द्वारा पूछे गए सवाल जो महावीर प्रभु ने अपने मुखारविंद से जवाब दिए, जो सब सारे प्रश्न कर्मफल प्रश्नोत्तरी है। गंधर महाराज श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे कृपा सिंधु भगवान, जीव किस कर्म के उदय से सौभाग्य होता है? महावीर परमात्मा ने कहा, हे गौतम, जो पुरुष गुरु का, देव का एवं साधु संतों का विनय करता है, कभी कटु वचन नहीं बोलता, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, सर्व लोगों में प्रिय होता है। श्री गौतम स्वामी ने फिर पूछा, हे दया के भंडार, किस कर्म से जीव दुर्भागी होता है? श्री महावीर परमात्मा ने कहा, हे गौतम, जो पुरुष गुण रहित होने पर भी गुणवान होने का अहंकार करे, जो गुणवान धैर्यवान तपस्वियों की निंदा करता है, जो विषयी होता है, जाति आदि का अभिमान करता है, दूसरे जीवों को दुख पहुंचाता है, वह जीव मरकर भोजदेव की तरह दुर्भागी होता है और जिसे देखकर लोग घृणा करते हैं। श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे कृपा सागर, किस कर्म से जीव बुद्धिशाली होता है? भगवान श्री महावीर स्वामी ने कहा, हे गौतम, जो जीव ज्ञान का पठन करे, उसका चिंतवन करे, सुने, धर्मोपदेश दें और जो शास्त्र तथा गुरु की भक्ति करे, वह जीव मरकर बुद्धिशाली होता है। जिस प्रकार मतिसार मंत्री का पुत्र सुबुद्धि हुआ और वह राज्य में लोकप्रिय हुआ। श्री गौतम स्वामी ने फिर पूछा, हे दया के भंडार, किस कारण से जीव दुर्बुद्धि या बुद्धिहीन होता है? कृपालु भगवान ने कहा, हे गौतम, जो जीव तपस्वी ज्ञानवंत और गुणवंत की अवज्ञा करता है, जैसे यह क्या जाने, इस प्रकार जो मुंह से बोलता है, वह मर कर कुबुद्धि निंदनीय होता है। इस संबंध में दुर्बुद्धि का दृष्टांत समझना। श्री गौतम स्वामी स्वयं सब जानते हुए भी भव्य जीवों के हित के लिए पूछते हैं कि हे दया सागर, जीव धैर्यवान किस कारण से होता है? श्री महावीर परमात्मा ने कहा, हे गौतम, जो जीव किसी भी जीव का त्रास नहीं देता और दूसरों के द्वारा भी त्रासित नहीं कराता तथा दूसरों की पीड़ा मिटाता है, साथ ही परोपकार तथा मनुष्य सेवा करता है, वह पुरुष साहसिक धैर्यवंत होता है। श्री गौतम स्वामी ने फिर पूछा, हे भगवान, किस कर्म से जीव डरपोक होता है? दयालु परमात्मा ने कहा, जो पुरुष कुत्तों, तोतों, चकवा आदि के बच्चों तथा सुअर, हिरण आदि जीवों को पिंजरे में बंद रखता है, जीवों को दुखी करता है, वह पुरुष मरकर डरपोक होता है। गंधर महाराज श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे दया समुद्र, किस कर्म से मनुष्य की सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाती है? श्री महावीर प्रभु ने कहा, हे गौतम, जो पुरुष कपटयुक्त विनय द्वारा गुरु के पास से विद्या अथवा ज्ञान ग्रहण करता है और फिर गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु के नाम को छिपाता है, उसकी विद्या निष्फल जाती है। श्री गौतम स्वामी गंधर महाराज ने पूछा, हे कृपावंत, जीव की सीखी हुई विद्या किस कारण से सफल होती है, ये बताएं। दयालु भगवान श्री महावीर प्रभु ने फरमाया कि जो पुरुष गुरु का बहुमान करता है, गुरु का विनय करता है, गुणवान होता है, उसकी ग्रहण की हुई विद्या सफल होती है। जिस प्रकार महाराज श्रेणिक को विनय पूर्वक ग्रहण की हुई आकर्षणीय विद्या सिद्ध हुई। श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे कृपा सागर, किस कर्म से मनुष्य का द्रव्य नाश होता है? श्री महावीर परमात्मा ने कहा, हे गौतम, जो पुरुष दान देकर फिर मन में सोचे,
अरे यह दान मैंने किस लिए दिया? इस प्रकार पश्चाताप करता है। उसके घर से निश्चय ही लक्ष्मी अल्पकाल में चली जाती है। श्री गौतम स्वामी गंधर्व ने फिर पूछा, हे दया के भंडार, किस कारण से मनुष्य को लक्ष्मी फिर से मिलती है? दयालु श्री महावीर भगवान ने कहा, हे गौतम, जो पुरुष अपने पास थोड़ा धन होने पर भी वह अपनी शक्ति अनुसार सुपात्र को दान देता है और दूसरों को दिलाता है, उसे परभव में फिर से बहुत लक्ष्मी मिलती है। श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे दीन दयाल, किस कर्म से जीव को लक्ष्मी मिलती है और स्थिर रहती है? उस समय प्रभु श्री महावीर स्वामी ने कहा, हे गौतम, जो भी वस्तु अपने स्वयं को बहुत रुचिकर हो, वह वस्तु शुद्ध भाव से यदि साधु पुरुषों अर्थात सुपात्र को दी जावे तथा बाद में उसका पश्चाताप न करें और बड़े उल्लास एवं प्रसन्नता के साथ अनुमोदना करें, उसकी लक्ष्मी शालीभद्र की लक्ष्मी के समान स्थिर रहती है। गंधर्व महाराज श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे करुणा सागर भगवंत, किस कर्म के कारण मनुष्य के यहाँ पुत्र जीवित नहीं रहता? कृपालु श्री महावीर प्रभु ने कहा, हे गौतम, जो पुरुष पशु पक्षी और मनुष्य के बच्चों का वियोग कराते हैं और जो बहुत पापी होते हैं उनके पुत्र नहीं होते, उनके पुत्र होता ही नहीं, कदाचित बालक हो भी जाए तो वह अधिक जीवित नहीं रहता। इस संबंध में ऋषिवास नगर में रहने वाले वर्धमान सेठ के छोटे पुत्र देद की कथा आती है। श्री गौतम स्वामी ने फिर पूछा, हे सर्वज्ञ प्रभु, किस कर्म से जीव बहुत पुत्रों वाला होता है? श्री महावीर परमात्मा ने कहा, हे गौतम, जो पुरुष परम दयालु होते हैं वे बहुत पुत्रों वाले होते हैं। गंधर्व महाराज श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे परम कृपालु भगवान, किस कर्म के कारण खाया हुआ अन्न पचता नहीं, वह आप कृपया कर बताएं। तब विश्व वंदनीय भगवान ने बताया, हे गौतम, अपने किसी भी काम में न आवे ऐसा खराब भोजन और झूठा भोजन पानी जो व्यक्ति साधु मुनिराजों को बहराते हैं और उसे खाया अन्न पचता नहीं और उसे अजीर्ण रोग होता है। इस संबंध में श्री वासुपूज्य स्वामी के पुत्र मगवा की पुत्री रोहिणी थी, जो पूर्व भव में सिद्धिमती रानी थी। उसने साधु को कड़वी तुम्बी जानते हुए बहराने से कुष्ठ रोग वाली दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। श्री गौतम स्वामी ने पूछा कि हे दया सागर भगवंत, किस कर्म के कारण जीव बड़ी रिद्धि सिद्धि वाला होता है? श्री महावीर परमात्मा ने कहा, जो पुरुष दाता विनयवान चारित्रवान होता है वह पुरुष जगत के में प्रसिद्ध होकर लोगों में रिद्धिमान बनता है। प्रथम गंधर्व श्री गौतम स्वामी ने पूछा, हे सर्वज्ञ भगवान, किस कर्म से जीव रोगी होता है? उस समय परम दयालु भगवान ने कहा कि हे इंद्रबुद्धि गौतम, जो पुरुष विश्वास दिलाकर फिर विश्वासघात करके जीव को मारता है, मन से शुद्ध आलोचना नहीं करता, वह मरकर दूसरे जन्म में रोगी होता है। श्री गौतम स्वामी ने फिर पूछा, हे जग वत्सल्य प्रभु, जीव किस कर्म से निरोगी होता है? उत्तर में चरम तीर्थंकर भगवान ने कहा, हे गौतम, जो जीव विश्वास रखने वाले जीव की रक्षा करता है और अपने सब पाप स्थानकों की आलोचना करता है और गुरु द्वारा दिए हुए प्रायश्चित को पूरा करता है, वह पुरुष मरकर अन्य भव में रोग रहित अर्थात निरोगी होता है।